आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। आचार संहिता का उल्लंघन करने में कहीं कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही, फिर भी न जाने क्यों प्रशासन अपनी मौन स्वीकृति देकर चुप बैठा है। म्याना में सरकारी कर्मचारियों को ये जानकारी नहीं कि आचार संहिता लगे एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। इसके बाद भी सरकारी कार्यालयों की बाउंड्री एवं बिल्डिंगों पर चुनाव प्रचार के चिन्ह एवं चुनाव प्रचार रैली की दिनांक लिखी हुई है। जिन बिल्डिंगों पर यह लिखा है वह मेन रोड पर है। गल्लामंडी प्रांगण की बाउंड्री पर हाथी एवं मायावती की प्रचार लिखा हुआ है। वहीं दूसरी ओर जिला सहकारी बैंक मर्यादित की बिल्डिंग पर रैली जैसी सामग्री लिखी हुई है। क्या वास्तव में इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया या सरकारी कर्मचारी ढीले ढाले हैं? म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। ट्रैफिक पुलिस ने की बिना टीपी नंबर से चलने वाले ऑटो पर कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक मुहिम के अंतर्गत गुना में चल रहे बिना टीपी नंबर के वाहनों पर कार्रवाई की गई। यह चलानी कार्रवाई ट्रैफिक थाने के पास आरोन बस स्टैंड एवं जज्जी बस स्टैंड के पास की गई। सार्वजनिक नवकला मंडल श्री रामलीला एवं दशहरा महोत्सव समिति द्वारा की जा रही श्री रामलीला, जिसमें कल बाली से उग्रीव संवाद हुआ। आइए देखते हैं कल हुई रामलीला के कुछ अंश।
बक्सुदनगढ़ में आज कछुआ समाज ने हर साल की तरह इस साल भी लवकुश जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई। लवकुश जयंती का जलूस मकसूदनगढ़ गुना रेस्ट हाउस से होते हुए सदर बाजार से गुजरकर भोपाल रोड पर समाप्त हुआ। साथ ही कछुआ समाज के लोगों ने सामूहिक भंडारा भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के आए कछुआ समाज के लोग शामिल हुए। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। आरएसएस द्वारा निकाला गया अभ्यास पथ संचलन। आरएसएस द्वारा शहर में एक अभ्यास संचलन निकाला गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ गुजरा। आपको बता दें कि दशहरे के पूर्व आरएसएस द्वारा अभ्यास संचलन निकाले जाते हैं, जिसके तहत ये संचलन निकाला गया। प्रातः गौशाला से अभ्यास संचलन निकाला गया, जो कि प्रताप उपनगर में मुख्य मार्गों से निकला और आर्य समाज मैदान पर जिसका समापन हुआ। अभ्यास संचलन जो कि विजयदशमी पर संचलन निकलता है, उसके पूर्व में पांच उपनगर गुना में है, गुना नगर में उपनगर से पांच उपनगर, उनमें पांचों उपनगरों में आज ही के दिन एक ही समय पर पाँचों उपनगरों में अलग अलग जगह पर संचलन निकाला, जिसका हम कहें तो विजयदशमी का जो नगर का संचलन रहता है उसकी तैयारी के रूप में यह संचलन निकाला गया। आज अनेक स्वयंसेवक यहाँ पर आए और सभी ने संचलन में भाग लिया और विजयदशमी के नगर संचलन के लिए पूर्ण रूप में तैयारी की। पिछले सप्ताह शुरू हुए केदारनाथ सेवा मंडल द्वारा गरीबों को मुफ्त भोजन योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत आज गरीबों को भोजन कराया गया। इस दौरान सेवा मंडल के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अन्नदाता अधिकार यात्रा आज गुना पहुंची, जिसमें अन्नदाता अधिकार के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष थे। उन्होंने बताया कि यात्रा मध्य प्रदेश के 52 जिले व 300 विकास खंडों में पहुंचेगी, जिसका समापन 28 अक्टूबर को भोपाल में होगा। वहीं युवा अध्यक्ष का कहना है कि सरकार किसान हितैषी नहीं है, किसान मर रहे हैं और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, जिससे किसानों को कुछ फायदा हो। यात्रा को मध्य प्रदेश के सभी 52 जिले संपूर्ण 300 विकास खंडों में जाना है। 75 दिन की यात्रा में देश का अन्नदाता सड़कों पर है। चार बड़ी मांगों को लेकर यात्रा निकाली गई है, जिसका समापन 28 अक्टूबर को भोपाल में होना है। जो चार बड़ी मांगे हैं वो देश के 182 किसान संगठनों ने तय की है। इन 182 किसान संगठनों को मिला के जो फेडरेशन बना है राष्ट्रीय किसान महासंघ, माननीय गंगा जी उसके भी राष्ट्रीय संयोजक है। मैं इस संगठन में युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम राहुल राज है। जो चार बड़ी मांगे हैं वो ये है। पहली मांग हमारी ये है कि जैसा कि पूर्व की सरकारों ने और वर्तमान सरकारों ने किसान से वादा किया था,
मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले 400 बार अपनी सभाओं में कहा था कि मैं अगर प्रधानमंत्री बनता हूँ तो इस देश के किसानों को लागत के आधार पर डेढ़ गुना लाभकारी मूल्य स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की प्रस्तुति के आधार पर दूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले किसान का गेहूँ का और चावल का बोनस बंद किया और उसके 28 दिन बाद 24 हीरा व्यापारियों का 17,12,000 करोड़ का टैक्स माफ किया। तो हमारी मांग ये है कि साहब आपने जो वादा किया था उसको पूरा करें और पहली मांग हमारी है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करते हुए प्रस्तुति के आधार पर डेढ़ गुना लाभकारी मूल्य दिया जाए। सड़कों पर हम इसलिए उतरे हैं क्योंकि पहले भी जब मोदी जी से कहा गया कि आप ये सिफारिश लागू करिए तो कोर्ट में जब हमने उनका घोषणा पत्र दिया जिसमें 5वें नंबर पर बीजेपी ने लिख के दिया था तो उस घोषणा पत्र के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको तलब किया और जनवरी 2015 में सरकार ने ये जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार किसान को लागत के आधार पर डेढ़ गुना देने में सक्षम नहीं है। तो हम पूछते हैं सरकार के पास अगर पैसा नहीं है तो नेता अपनी सुविधा छोड़ दें, अपने बंगले छोड़ के सड़क पर रहने लगे, कार उपयोग करने के बजाय साइकिल का उपयोग करें, विदेश दौरों में कटौती करें। इस देश के नेताओं का अय्याशी और अय्यारी के लिए सरकार के पास पैसा है, अधिकारियों का खर्चा उठाने के लिए पैसा है, लेकिन किसान उसकी मेहनत की कमाई देने के लिए पैसा नहीं है। इसीलिए 75 दिन हम सड़कों पर उतर के 15 अगस्त से अपनी आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी हमारी मांग ये है जब इस देश में केवल बीते 3 साल में 17,12,000 करोड़ का टैक्स उद्योगपतियों का जो 24 हीरा व्यापारियों का माफ किया जा सकता है तो हम मांग करते हैं कि इस देश के 70 करोड़ किसानों के माथे पर जो कुल कर्जा 6,35,000 करोड़ का है सरकार उसको संपूर्णतः ऋण मुक्त करे। तीसरी हमारी मांग ये है कि जब 8 घंटा एसी पंखे में बैठे अधिकारी कर्मचारी को और 5 साल विधायक सांसद रह चुके नेताओं को इस देश में पेंशन मिल सकती है तो 5 साल की आयु से लेकर मरते तक उत्पादन देने का काम करता है किसान को, क्योंकि कृषि कार्य और ऐसे 55 वर्ष से अधिक आयु वाले प्रत्येक किसान को सरकार 18,000 रुपये प्रति माह पेंशन दे। चौथी हमारी बड़ी मांग ये है फल साग सब्जी और पशुओं का जो समर्थन पूरे देश में तय नहीं है इन सभी चीजों का प्रस्तुति की सिफारिश लागू करते हुए सरकार तय करने की गारंटी का कानून बनाए। पुरानी छावनी में सुने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। पुरानी छावनी में स्थित शाहिद खान के मकान को चोरों ने निशाना बनाया। शाहिद खान अपने गांव गए हुए थे, इस दौरान चोरों ने मौका पाकर उनके घर पर धावा बोल दिया। सूत्र बताते हैं कि 40 से 50 हजार के माल पर हाथ साफ किया गया है। वहीं पुलिस ने FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मतलब जो है ना मालूम बड़ा हुआ जाएंगे सामान का बड़ा सामान तो मैं बुआ के नहीं देखेंगे अपने का मालूम जाएगा भाई जी बड़ी बड़ी चीजें दिख रही हैं सिलेंडर है चूल्हा है और चांदी के सामान है जो कुछ भी है फिर भी लगभग कितनी 40-50 हजार का इतना सामान अब किन का मकान है जी शायद भाई कहाँ पे है जी समरानिया के हैं मतलब अभी आया नहीं रहते हैं समरानिया आपने कौन सी कॉलोनी में रहते हैं बुढ़े वाला जी भी हरिपुर रोड पर तो जो घर पे नहीं थे क्या हाँ घर पे नहीं कल अपने मैयो आपके गए थे मिलने को चलो गए 4 बजे निकले आप तो आपको किसने सूचना दी अभी अभी मोड़ी ने भेजी खबर थोड़े पता पड़ा 5 बजे के तुम्हारे ताले टूटे पड़े हैं निकल यहाँ से मुझे पता पड़ा तो आपने पुलिस को सूचना दी हाँ इधर ना पुलिस वाले कुछ दिनों पूर्व कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किए गए एक पत्रकार वार्ता के विरोध में आज एक और पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें बताया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी के मनोहर मराठा के द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। नरेंद्र भदौरिया द्वारा आयोजित की गई इस पत्रकार वार्ता में उन बातों का खंडन करने के लिए बुलाया गया था लेकिन नरेंद्र भदौरिया किसी भी बात के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। वहीं जब उनसे पूछा गया कि सपन सक्सेना जो कि एरिया मैनेजर था उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि सपन सक्सेना एरिया मैनेजर नहीं थे। वहीं जब उनसे पूछा गया कि जिला के अलावा और किसी कंपनी में वह अपनी दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहे तो इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वह गले से नीचे नहीं उतरता। भदौरिया ने कहा कि जी लाइफ के अलावा उन्हें और किसी कंपनी के बारे में जानकारी ही नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक ये मान के चलो उस पार्टी का हम सम्मान करते हैं कि मजदूरों की पार्टी सरवारा की पार्टी है लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे आरोप भी लगाए जिसमें जैसे नेशनल फर्टिलाइजर को लेके आए। नेशनल फर्टिलाइजर में 97 मजदूरों को वहाँ के ठेकेदार ने जो 22 साल से काम कर रहे थे एकदम बेदखल कर दिया श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए उसके खिलाफ लगातार मैं 1.5 साल से वो आंदोलन कर रहा हूँ।
और वहाँ के SDM यहाँ के कलेक्टर ने काम निर्देश देने के बाद वो चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आता है, हम वहाँ सफल नहीं हो पा रहे हैं। और मेरा आंदोलन चल रहा है, उनका कहना हमने करोड़ों रुपए वहाँ ले लिए। आप चाहते हैं कि मतलब वहाँ पूछताछ करते हैं, इस प्रकार का कोई नहीं है। बराबर मैं वहाँ आंदोलन कर रहा हूँ, अगले 22 तारीख को मैं भी आंदोलन करने जा रहा हूँ। आप पर ये आरोप लगाया गया है कि आपको वहाँ से पैसा नहीं मिला, इसलिए आप उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सर ये आंदोलन 1.5 साल पहले से चल रहा है, और जहाँ तक आप आरोप तो कोई भी कुछ भी लगा दे, अगर ऐसा कुछ हो तो यहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर के 2-3 लोग यहाँ बैठे हुए, आप उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन वो 97 परिवार जो बेघर हुए हैं, हमने CM इवन कमिश्नर किया, जबलपुर कमिश्नर, भोपाल कमिश्नर, आप मेरी तैयारी हाईकोर्ट की है कि हाईकोर्ट के जरिए हम उनको जो है ड्यूटी पे लाएं, उन परिवारों को बचाएं। तो वो 22 साल की उम्र में आए थे और आज उनकी 55 साल 54 साल उम्र हो गई है, वो कहाँ जाए। तो उस मसले को लेकर मैं जी लाइव से बड़ी कंपनी है सहारा, सहारा के खिलाफ आप क्यों नहीं आंदोलन कर रहे? जी लाइव क्यों, बाकी सहारा के अलावा और भी कंपनियां हैं जो भागी है पैसा लेके। सर इसको ये जी लाइव क्यों? सर उस समय मैं MPB में काम करता था, जब सहारा के खिलाफ कुछ हुआ होगा तो उस समय क्योंकि आचार संहिता के तहत हम कर्मचारी होने के नाते, क्योंकि अमानत अली मेरे साथ काम कर रहा था मजदूरों के बीच, तो हमने उनको रोका था कि ये काम मत करो, तो उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया था बाहर। पर हमने कहा ये लोग जो काम कर रहे हैं इसके खिलाफ तो हाँ, जिन लोगों की शिकायतें आई थी उस शिकायतों को लेकर मैं एक बार SP को ज्ञापन दिए, जब FIR वगैरह नहीं हुए तो हमने तमाम लोग निवेशक आने लगे, तो ये लोग भाग गए, निवेशकों डर से भाग गए। जब भागे तब हमने इनकी FIR करी। यदि अमानत अली आपको पार्टी से बाहर नहीं करते तो आप उनके खिलाफ आंदोलन नहीं करते, ऐसा कहना? नहीं नहीं, हम तो उसके पहले से कर रहे थे, हमने इनके हाईकमान को अभी तो आपने कहा कि उन्होंने हमें पार्टी से बाहर निकाला, नहीं उसको बाद में निकाला, हमने CPI के हाईकमान को लिखा, हमने दिल्ली लिखा और जबलपुर लिखा, लेकिन उन्होंने जो है एक तरफ आ चुकी, वो पूरी की पूरी जिलाए के लोग उस पार्टी के करता धरता भी थे, सेम पार्टी जब CPI प्रदेश जिलाए ये हो गया था, इसमें भी बात चला नहीं, क्योंकि आपने खुद कहा कि जिस प्रकार से परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आप पे आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में आपसे सवाल किए जा सकते हैं, आपने खुद ने हमें इजाजत दी, इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और वो यही है कि इस तरीके की कई कंपनियां होने के बावजूद सिर्फ GLIFE को, और उन लोगों का कहना यह भी था कि अमानत अली या और यज्ञ प्रसाद या जो भी और नाम है, इन लोगों से आपके कुछ व्यक्तिगत जो है गड़बड़ी है जिसकी वजह से आप इनको इस प्लेटफॉर्म पे घसीट रहे हैं, ये ऐसा होगा? मेरी व्यक्तिगत किसी से नहीं है, मेरी व्यक्तिगत अगर है तो लोगों के निवेश से है, चाहे वो CPI के लोग हों चाहे और किसी पार्टी को, मुझे इससे कोई लेना है। CPI का मैं आज भी आदर करता हूँ, मजदूरों की पार्टी है, नौजवान सभा का आज भी आदर करता हूँ, और मैं उसी उद्देश्य मैं काम भी कर रहा हूँ, कई आंदोलन मैं उद्देश्य से कर रहा हूँ, आज भी मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, तब भी मैं अपने हिसाब से वो जो हम पे बनता है जनता की सेवा में हम लगे। सिर्फ उस निवेश से जो GLIFE? जी नहीं, हमें GLIFE की कंप्लेंट सब जब आई ज्यादा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ज्यादा बिजनेस हो गया सारा इंडिया के, सारा इंडिया के सामने कितना परसेंट होगा आगे इसका? नहीं सर, 70 करोड़ तो अपना गुनाह का है, ये करीब 300 करोड़ का मामला है सारा के मुकाबले, कुल 200 करोड़ का मामला है, 350 करोड़ की GLIFE की प्रॉपर्टी है, सारा के मामले GLIFE कुछ भी नहीं तो सारा क्यों नहीं? लेकिन क्योंकि ये इसमें गुनाह में ज्यादा निवेश हो गया और लोग ज्यादा गुनाह के अंदर सारा का GLIFE से कई गुना ज्यादा निवेश है। सर इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, क्योंकि चलिए मैं मैदान में भी 2-3 साल से आया हूँ, तो 1.5-2 साल से मैं इसका आंदोलन कर रहा हूँ, उसके पहले मैं क्या MPP में आंदोलन करता। चलिए खैर, हमें उम्मीद है कि आप सारा में जो लोग पीड़ित हैं उनका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसी कोई हमारा साथ तो हम लगातार धरने प्रदर्शन जो हमसे बनेगा हम कर सकते। एक और आरोप लगाया गया था आपके ऊपर कि आप लोगों को ब्याज पे पैसा बांटते। जी सर, आप लाइसेंस साहूकार हैं? सर न तो मैं साहूकार हूँ, ना मेरे पैसे पास पैसे हैं कि मैं ब्याज पे बांटूंगा, सिंगल आदमी को लेकर लाके करीब 17 आपने जो लेख लगा रखे गए 38 के चेक बाउंस के मामले आपके पेंडिंग चल रहे हैं जिला न्यायालय आपकी तरफ से लगाया गया। हाँ, कुछ प्रकरण हमारे व्यक्तिगत आपस के चल रहे हैं जो मेरे MPB से संबंध थे, लेकिन कई प्रकरणों में मेरे राजीनामा से स्वयं सामने वालों ने राजीनामा करके वो प्रकरण लगाए। मैं मंडल में साग सोसाइटी हमने एक बनाई थी, उसमें 50,000 वर्तमान में 1,00,000 रुपये हम लोग देते, लेकिन किसी से ब्याज नहीं लेते। अगर ब्याज का मामला एक भी आओ तो मैं पत्रकारों के सामने संकल्प लेता हूँ। श्याम आदिवासी MPP में नहीं करता था काम, ना ही उस यूनियन में। घनश्याम आदिवासी मेरे साथ काम करता है और मेरे साथ बंधुआ मुक्ति मोर्चा में वो काम करता है, और उसका मेरा उसका उसकी खुद का एक फाइल है मेरे पास, आप चाहे उसका अध्ययन कर सकते हैं। उसने क्या किया, उसको जो पैसा मिला उसका कुटीर का, उसने कुटीर नहीं, जब उसने कुटीर निर्णय तो जनपद में उनको नोटिस दिया कि क्यों ना तुम्हारे खिलाफ FIR कर दी है, तो मैंने उसके अपने आपस में मिलके कुछ पैसे के इंतजाम करके सीमेंट और सरिया जला के उसकी कुटीर रखवा, उसने ये कहा था जैसे मेरी किस्त गिरेगी तो मैं पैसा दे दूंगा, वो पैसा मैंने उनसे मांगा।
समिति में आप अकेले ही हैं कि वो नहीं सर पांच लोग के नाम से रिटायर हो गया तो वहाँ से बाहर गया मैंने करीब 3 करोड़ रुपए बांटा है उस सोसाइटी जी और वो पैसा वापस गया बैंक को उसमें कोई ब्याज ब्याज जो बैंक ने लिया और लिया मैंने किसी से ब्याज ब्याज का मेरा कोई धंधा नहीं है अगर मतलब किसी की अवस्था पड़ गई हो मैं सच्चा हूँ तो मैंने मदद जरूर की है किसी की घनश्याम आदिवासी के मामले में कहा जा रहा है कि आपने उसकी चेकबुक साइन करा घनश्याम आदिवासी के खिलाफ FIR होने की जब बात आई थी तो हमने आपस में 15-16 लोग रहते हैं मिलकर उसकी मदद कर दी थी सरिया सीमेंट भरवाया था उसके पैसे उससे हमारे गरबा में आज शिरकत करेंगी बॉलीवुड की एक्ट्रेस शहनाज़ पद्मश्री। लायंस क्लब के द्वारा आयोजित किए गए गरबे में आज यह गरबा कराएंगी। पत्रकार वार्ता के दौरान जब उनसे मीटू के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है। वहीं ज्यादा पूछने पर सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। चलिए आपका एक्सपीरियंस बता दीजिए आपको ना हेलो जो हो रहा है अच्छा के लिए ही हो रहा है ट्रूथ शुड ऑलवेज कम आउट वैसे तो मेरे एक्सपीरियंस में सब ठीक ही रहा है बट आई डोंट वांट टू ड्रैग एनीबॉडी इनटू कोई कंट्रोवर्सी में नहीं इन्वॉल्व होना है एंड या आई थिंक इट्स जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है एज आई सेड सच जो है सामने आ रहा है मतलब आपको लगता है वो लोग जो कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं हम इवेंट के बारे में बात करते हैं यू वांट टू गो टू इवेंट दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम सो एक्साइटेड टू कम टू गुना और आप ये प्लीज चलिए बहुत ही एक्साइटेड हुआ मैं नहीं आप वो इसलिए कि आप वो उस खास तौर पे वहीं से चीजें ज्यादा उठी हैं बॉलीवुड से ही उठी हैं ये सवाल बनता है इसको अपन है उसमें बाकी और कुछ नहीं वैसे महिलाओं का भाव जिस तरह से के हिसाब से वहाँ मृगवास में चल रही है श्री रामलीला। इस रामलीला का मंचन लगभग 50 वर्षों से किया जा रहा है जिसमें सदैव की भांति कलाकार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मृगवास से हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। के तहत गुना में नवरात्रों की धूम चल रही है जिसके तहत गुना ही नहीं बल्कि आसपास के गांव से भी लोग वहां गुना की झांकियों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्रि में श्रद्धालुओं की श्रद्धा देखते ही बनती है। आइए आपको दिखाते हैं नवरात्रि में चल रही झांकियों की कुछ झलकियां।
में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।